कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन मटन कड़ी। इसको हम हरे मसाले का सालन भी बोलते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी एंड झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसमें सिर्फ हरा मसाला ही यूज़ होता है। तो सारे प्रिपरेशन हो गए हैं, तो चलो चलते हैं और बनाते हैं ग्रीन मटन कड़ी। ये ग्रीन मसाला हम यूज़ करेंगे सालन के लिए, जिसमें हमने लिया है लहसुन, अदरक, मिर्ची, कोथमीर और दो घी प्याज। मटन को धो लिया है मैंने अच्छे से और इसको अभी मैंने एक छन्नी में निकाल दिया है छान पानी नितरने के लिए। इसको साइड में रख देते हैं। ये मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोथमीर का पेस्ट कर लिया है। कुकर गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो ये सारे गरम मसाले मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इसको ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने दो अक्खी प्याज लिए, अब मैं ये इसमें डालूँगी। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है गाइस। अब देख सकते हो कि ये हो गया है गोल्डन ब्राउन अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटन। हमें चलाते रहना है ताकि उसका जो पानी है गोश्त का वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए, जब तक कि हमें मटन को अच्छे से फ्राई करना है गाइस इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मटन का जो कलर है वो चेंज होते जा रहा है और पानी धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा है। देखो इस तरीके से हमें इसी को तेल में फ्राई करते रहना है। ध्यान रखना है कि जले रहा, पानी जैसे जैसे ख़त्म होने लगेगा तो ये फ्राई होते जाएगा ऑयल में। इस तरीके से कम्प्लीटली ये ऑयल दिखने लगेगा। अगर आप गौर से देखते हो तो पानी ख़त्म हो गया है, तेल ही आपको दिख रहा है। अब ये कम्प्लीटली मटन जो है वो तेल में फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो मैंने ग्रीन मसाला पिसा था, अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोथमीर का पेस्ट जो बनाया था वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। ये मैंने पेस्ट पीसा था। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी गाइस। इसमें मसाले को अच्छी तरीके से भुनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक एज पर द टेस्ट। मैंने अब इसको ये नमक मिला दिया है, मिक्स कर लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। तो ये मैंने अच्छी तरीके से मसाला ऐसे भून गया। आप देख सकते हैं इसमें भी तरी दिख रही होगी आपको तेल की, मतलब हमारा मसाला कम्प्लीटली भून गया है। ओके, तो अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, जो मसाले का थोड़ा पानी ऐड करूँगी। तो मैं ये मसाले वाला ही पानी इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ गाइस। इसको मैं थोड़ी देर पकने रखती हूँ, 5 मिनट। 5 minutes later ये जो पानी है मसाले का वो भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके फिर कुकर की सीटी लगाऊंगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी।
डेढ़ कप पानी डाला है गाइस। अब मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ, कवर कर रही हूँ। ये मैंने कुकर लगा दिया है, अब हम वेट करेंगे सीटी का गाइस। तो हम वेट करेंगे 3 से 4 सीटी का, और मैं इसको स्लो आंच पे बनाऊंगी गाइस। लाइक ज़्यादा फास्ट रखेंगे तो गोश्त गलेगा नहीं और जल्दी जल्दी सीटी आएगी। तो वेट करते हैं 3 सीटी का। तो गाइस हमारा 4 सीटी हो गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर ओपन करके चेक करेंगे। 5 minutes later. ओपन करके इसको चेक करती हूँ। हाँ, तो ये हो गया है कम्प्लीटली। हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई कश्मीर। ये हो गया है रेडी टू सर्व। तो अब चलो सर्व करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा हरे मसाले का सालन रेडी है, और आप देख सकते हो उसको बनाने में कितना कम टाइम लगा है गाइस। और बहुत ही इजी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। आप भी बनाएंगे, एंजॉय कीजिए विद फैमिली के साथ, रिश्तेदार के साथ, आपके फ्रेंड्स लोग के साथ। और यकीन मानिए, ये जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और यमी है गाइस। आप इसको खा सकते हो रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, नान के साथ में, जवारी की रोटी, भाकरी एंड राइस के साथ में। आप जिसके साथ भी खाते हो सबका टेस्ट बहुत ही यमी होगा गाइस। एंड आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर लेटेस्ट न्यू वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस। अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा गाइस। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।